दोस्तों लग रहा है कि ये जो टचलेस गेस्चर है ये स्मार्टफोनों में अब अगली बड़ी चीज होने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली ये एक एबिलिटी है जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी बिना उसकी स्क्रीन को टच किए, सिर्फ हवा में अपनी उंगलियों को घुमाकर। और दोस्तों ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां ये एक्चुअली पास्ट में इस आइडिया को ट्राई कर चुकी हैं, और सैमसंग और एलजी ने तो इसे बहुत सालों पहले ट्राई कर लिया था। और दोस्तों एक्चुअली ये उस टाइम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इसे उस टाइम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 भी कुछ जेस्चर्स के साथ आता है, पर उसके लिए आपको एस पेन की जरूरत पड़ेगी, और आप इसका यूज करके अपनी फोटो चेंज कर पाओगे, कैमरा आपको कंट्रोल कर सकोगे और यूट्यूब को भी कंट्रोल कर सकोगे, और जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत सी चीजें कर सकते हो। और सैमसंग इस फीचर को यूज करने के लिए जायरोस्कोप का यूज कर रहा है जो बहुत ही कूल है, और एक्चुअली ये लिमिटेड भी है कि ये क्या कर सकता है। और दोस्तों LG का G8 है उसमें भी जेस्चर फीचर्स हैं, उसको हैंड आईडी के नाम से जाना जाता है, जो इंफ्रारेड कैमरा और टाइम ऑफ लाइट लेंस की मदद से काम करती है। हाँ, और ये वो सब काम करता है जो आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में एस पेन की मदद से कर सकते हो। पर दोस्तों इसे एक्चुअली रियल लाइफ में यूज करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसे यूज करने के लिए एक्चुअली आपको अपनी हथेली को स्क्रीन से 6 इंचेस ऊपर रखना होगा, और आपको एक क्लॉक के जैसे ग्रिप बनानी होगी जब तक आपको फोन रिकॉग्नाइज नहीं कर लेता, जो रियल लाइफ में कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है। और फिर दोस्तों गूगल आता है अपने प्रोजेक्ट सोली के साथ, जो अब पहली बार पिक्सल 4 के साथ आने वाला है। और दोस्तों जब इन टचलेस गेस्चर्स पे बात आती है तो ये लिटरली पूरा गेम ही चेंज कर देता है, क्योंकि गूगल पिक्सल 4 के ऊपर एक रेडार चिप लगा रहा है, जो दोस्तों ये सब मिलीमीटर गेस्चर्स होते हैं, इनको हाई एक्यूरेसी के साथ हाई स्पीड में कैप्चर कर सकता है। और एक्चुअली गूगल ने इस फीचर का एक टीजर भी दिखा दिया जिसमें ये रेडार चिप एक्शन में दिखाई दे रही है, जिसमें आप इसकी मदद से म्यूजिक को चेंज कर सकते हो और अपने फेस से अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। पर दोस्तों एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन और भी ज्यादा होने वाला है। और दोस्तों आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो ये छोटे से छोटे मोमेंट्स को ट्रैक कर सकता है, जैसे आप हवा में अपनी उंगलियों को ट्विस्ट कर सकते हो वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने के लिए, जैसा आप एक फिजिकल नोक के साथ करते ही हो, और स्लाइडर को आप अपने फिंगर से कंट्रोल कर सकते हो, और जब आपको कोई बटन प्रेस करना हो तो आप अपने थंब और फिंगर को टैप कर सकते हो उस बटन को प्रेस करने के लिए। और दोस्तों ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं, इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। पर दोस्तों एक्चुअली मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि इनमें से कितने फीचर्स को गूगल अपने पिक्सल 4 में इम्प्लीमेंट करेगा, और इस टेक की फर्स्ट जनरेशन में तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि गूगल एक साथ ही इन सारे फीचर्स के साथ जाएगा। और दोस्तों अब हुआवे पे आते हैं, उन्होंने भी एक ऐसा ही जेस्चर बेस्ड कंट्रोल वाला टेक शोकेस किया है इस प्रोजेक्ट सोली के जैसे ही। और दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये भी मिलीमीटर वेव जेस्चर टेक यूज कर रहा है। और दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की पर एक्चुअली इसके बारे में इंटरनेट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों इस वक्त तो हम नहीं जानते कि हुआवे इसमें किस प्रकार के सेंसर्स यूज कर रहा है, पर ये देखने में तो प्रोजेक्ट सोली के जैसे ही लग रहा है। आप इसकी मदद से ट्रैक्स को चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हो, और अलार्म को सिर्फ फोन के ऊपर से हाथ घुमाकर ही बंद कर सकते हो। और दोस्तों इसके साथ ही ये आपकी हार्ट बीट, ब्रीथिंग और भी बहुत सी चीजों को मेजर कर सकता है। और दोस्तों मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके बारे में जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आती है। और दोस्तों एक्चुअली हुआवे के इस इम्प्लीमेंटेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको एक जायंट नॉच की जरूरत नहीं होती पिक्सल 4 के जैसे। और दोस्तों मैं इस बात पे भी श्योर हूं कि सैमसंग भी पक्के तौर पे इस टेक पे काम कर रहा होगा, क्योंकि गूगल और हुआवे जैसी कंपनियां इस टेक पे काम करें और सबसे बड़ी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी इस पे काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों वो भी इस पे बंदरवाजों के पीछे काम कर ही रहे होंगे। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना।